जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु जैन संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में 6 जुलाई 2022 को मरुधर की धन्य धरा सादड़ी नगर में भव्य चातुर्मास 2022 हेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य उप प्रवर्तक महाश्रमण श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश एवं उप प्रवर्तक प्रवचन गज केसरी श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि श्रमण श्रवणी वृंद का चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ। अभी आप देखने जा रहे हैं इसी कार्यक्रम की विशेष झलकियां। इस शुभ कार्य के हेतु सबसे पहले भक्तों ने पूज्य गुरुदेव सहित मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए। पश्चात भक्त चल पड़ते हैं पूज्य गुरु भगवंतों को अपनी नगरिया में लाने के लिए। ढोल नगाड़ों के नाद और मंगल जयकारों के बीच महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए जा रहे थे। ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। नहीं कोई पराया नहीं, सभी को निरपेक्ष भाव से अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए गुरुदेव अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूल को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरुवर्य का भव्य स्वागत किया गया। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलाचरण हुआ और कार्यक्रम को मंगलमय शुभारंभ मिला। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। इस क्रम में प्रार्थना पुस्तिका का विमोचन हुआ। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से भक्त जनों ने प्रार्थना पुस्तिका में लिखित मंत्रों को श्रवण किया। नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम। हमारे युवा महामंत्री श्री मुकेश कुमार जी मोतीलाल जी जैन पुनमिया, हमारे कोषाध्यक्ष मदन श्री अमृतलाल जी हस्तिमल जी खिवेसरा और पूरे सादड़ी ट्रस्ट मंडल की ओर से मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य आज समग्र गोड़वाड़ क्षेत्र के श्री वर्तमान स्थानकवासी सादड़ी श्रावक संघ का बहुत बड़ा उदयकाल आया है। प्रबल पुण्य के उदयकाल से कोई न कोई मांगलिक कार्य घर के आंगन में संपादित होते हैं। मुझे ये कहने में बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाऊँ इससे पहले श्रीमती बदाम बाई घिसूलाजी सोलंकी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ।
वे आए और स्वागत उद्बोधन के कार्यक्रम को विधिवत संपादित करें। भक्तों द्वारा मधुर भजन आदि गाए गए। कमल मुनि ने कृपा बरसाई, सादड़ी संग में मेला लगाया। आओ सभी आओ, पुण्य लाभ उठाओ, सुप्रभात आंगन में देखो खिली है। हर्षित है हर्षित सभी, हर्षित जनमन है। श्रद्धा के थाल में भावों के पुष्प ले, गुरुवर का स्वागत है। इस बीच श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन दिया गया। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज अत्यंत ही हर्ष की बात है कि सादड़ी के इस धर्म प्रांगण में चतुर्विध संघ उपस्थित हुआ है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका और तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेहमान, जिसमें श्री अखिल भारतवर्षीय जैन कॉन्फ्रेंस के पधारी हुई राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा जी गोखरू जैन, जो भीलवाड़ा से हमारे बीच पधारी हैं, कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश जी चौरड़िया, कॉन्फ्रेंस से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी चोपड़ा, प्रांतीय अध्यक्ष मुंबई पुणे जोन से श्री सुनील जी बाफना, अन्य कई गणमान्य हैं। मैं आज उनके लिए ये बात कहूंगा कि हमने पिछले कई महीनों से हमारी यह यात्रा वीजापुर से लेकर सादड़ी तक जो आज यहां पर पहुंची है, हम आज से करीब 7 महीने पूर्व वीजापुर में चातुर्मासार्थ विजर्जित श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन सानिध्य में नम्र विनंती लेकर गए थे सादड़ी की। हमें तब ये एहसास था कि हम चातुर्मास जरूर लेकर आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास था कि यह चातुर्मास सादड़ी में हम अवश्य लेकर आएंगे। तत्पश्चात श्रेष्ठी गणों का मंगल अभिनंदन किया गया। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। ऐसे ज्ञान प्रकाश के अंदर अपना योगदान करने वाले, सहयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रोत्साहन करने से दूसरे लोगों के मन में भी भावना जगती है कि हमें भी ज्ञान के क्षेत्र में कुछ आगे कार्य करना चाहिए, दानशील तब भावना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो
आज दानदाताओं के सम्मान का कार्यक्रम रहा है और उसमें आप सब लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है, उसका आपको भी आंशिक लाभ मिला ही मिला है। भावनाओं के ऊपर व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। साधरी संघ ने बहुत कुछ किया है और मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि साधरी संघ अगर अपनी उपस्थिति यहाँ चार महीने में अगर 250 की उपस्थिति भी आपकी रहती है, कोई गए कोई आए मगर 250 की 300 की उपस्थिति रहती है, तो मैं समझता हूँ आपका चतुर्मास कराना बहुत बड़ा सार्थक हो जाएगा। चतुर्मास हरेक को नहीं मिलता ऐसा। ज़्यादा समय न लेते हुए पूर्व अध्यक्ष चोपड़ा जी ने बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखा और वो बातें सारी की सारी सही है। श्रमण संघ का जब भी जिक्र आएगा या जब भी उसके इतिहास का जिक्र किया जाएगा तो सादड़ी का नाम सबसे पहले आएगा। पर इसके साथ साथ आगे मैं और ये कहना चाहता हूँ कि सादड़ी जब जब भी सादड़ी का इतिहास जिक्र किया जाएगा तो उसमें पूना का भी नाम जो है बार बार आएगा। सादड़ी वालों ने पूना में भी साधना सदन सादड़ी सदन एक ऐसा संघ की निर्माण महाराष्ट्र में कई जगह हुआ है और वहाँ पूना में भी गुरुदेव पूना ये मेरी जन्मभूमि है इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। और सादड़ी संघ पूना से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और सादड़ी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी अभी सादड़ी के बारे में बहुत कुछ नेमी चंद जी ने कहा और हमने देखा भी सादड़ी संघ बहुत सारा बड़ा है। महाराष्ट्र में भी हमारा एक गोरनदी ऐसा गाँव है, महाराष्ट्र में श्रमण संघ में पहली दीक्षा गोरनदी से हुई है। अभी नेमीचंद जी ने बच्चों के बारे में संस्कार के बारे में जो पुष्पा जी गोखरू को कहा वो बहुत सही बात है। अगर बच्चे को संस्कार अच्छी तरह से देते तो ही अपन आगे जा सकते हैं धर्म के बारे में। कहते हैं ज्ञान के बिना जीवन नहीं है, दया के बिना जीवन नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो महानव क्या क्या कर सकता है, सत्कार्य कर सकता है। अब इस चार महीने के अंदर हम देखेंगे, हमको आप लेकर तो आ गए इस इतिहास क्या करना है सादरी संघ के अंदर। कहते हैं यहाँ पर समन संघ की क्या हुई स्थापना हुई है, यहाँ से ही समन संघ हमारा क्या हुआ क्या बना श्रमण संघ बना। अनेक महापुरुषों का यहाँ पर चतुर्मास हुए अनेक। अब आपको ऐसी वाणी बरसानी है, देखते जा जाए यहाँ पर गुरु भगवंतों का क्या हो गया पदार्पण हुआ। तो सभी श्रावक श्राविकाओं को भी कहना चाहूंगी कि आप अपने इस चतुर्मास में अपना आत्मशोधन करिए कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अपने सभी दुर्गुणों का नाश कर सद्गुणों का बीजारोपण करें, व्यसन मुक्त संस्कार युक्त जीवन को जिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज जैन समाज हम लोगों को भी याद करता है। हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज एवं रूप मुनि जी बाबू जी, दिल से उनका हमारे प्रति बहुत स्नेह था और आज भी जैन समाज 28 वर्षों से जो मैं इस गोडवार धरनी में सेवा दे रही हूँ तो ये जैन समाज ही आज ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक एक स्थान में निमित्त बन करके आज उत्थान के ओर ले गया है। कार्यक्रम समापन पर सभी भक्तों ने पूज्य गुरु श्रेष्ठ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय जिनेंद्र। जयपुर में चातुर्मास की विनंती लेकर आए थे और ये क्या है सादरी की यात्रा, इनकी द्रव्य क्षेत्र और काल से पूरी हो गई लेकिन अब भाव से यात्रा शुरू हो रही है।
कौन सी यात्रा? ये भाव से यात्रा, और ये विजयपुर से सादड़ी की भाव यात्रा नहीं है, लेकिन ये सादगी से विजयपुर की यात्रा है। कहाँ से? सादगी, सादड़ी में तो हम आ गए, लेकिन अब हमें कहाँ जाना है? सादड़ी, सादगी। और जब जीवन में सादगी अपनाएंगे, तब हम क्या है, विजयपुर यानी उस मोक्ष की यात्रा में, और यही हमारे आत्मशुद्धि का सु अवसर है। तो आइए, ये चातुर्मास की घड़ियाँ और ये जो है अनुपम जो है अवसर, चतुर्वेद का संघ का जो है ये संयोग, और बंधो मुझे तो परम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे सादड़ी वालों की ये जन्मभूमि है, और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी स्वर्ग से भी अधिक जो है जो मूल्यवान होती है। पूज्य गुरुदेव ने एक भावना रखी कि सामूहिक तेले तप की क्या होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, और सामूहिक तेला तप उस समय क्या है, सामूहिक रूप से क्या है, आयोजन नहीं होते थे। उसके बाद तो क्या है, जगह जगह वे आयोजन क्या है होते हैं, और पूज्य गुरुदेव की सेवा में भी क्या है बराबर आयोजन होते थे, परंतु प्रारंभ क्या है उस तेले तप के सामूहिक की क्या है, यहाँ से हुई। और उस समय 350 तेले के आराधना हुई, कितने सादड़ी संघ में 350, उस समय सारे घर यहाँ पर क्या है लगभग क्या है खुले रहते थे, और बहुत ही भव्य में क्या है चातुर्मास हुआ, और बहनों में भी क्या है उस समय बहुत जागृति भक्ति बाई वगैरह। और इधर नरेश जी पूनमिया के माता जी, दीपचंद जी पूनमिया के, वो भी क्या है बहुत श्रद्धा, और अनेक बहनें पूर्ण रूप से क्या है जागृत रही। और उसके पश्चात छिन्नवे में पुनः चातुर्मास हुआ, वह भी क्या है बहुत भव्य चातुर्मास हुआ। महावीर भवन में हमारा क्या है चातुर्मास 2 महीने यहाँ रहे, और उसके बाद क्या है गुरुकुल में रहे। इस प्रकार से क्या है इसी क्षेत्र से क्या है सांडेराव और सादड़ी, ये दोनों क्षेत्र पूर्ण रूप से क्या है समर्पित, और समय समय पर सादड़ी निवासी क्या है बराबर उपस्थिति। आबू पर्वत पर भी आइम्बिल होली के अनेक आयोजन सादड़ी संघ के कार्यकर्ताओं ने क्या है कराए। आपका चातुर्मास का हाँ कहना ही हमारे लिए बहुत हर्ष की बात थी, और आज उसी के परिणाम स्वरूप आज हम सब यहाँ उपस्थित है। आज आए हुए सभी भाई बहनों और जैन कॉन्फ्रेंस के लोगों, सब संघों के पदाधिकारियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आभार है। कार्यक्रम समापन पर सभी भक्तों ने पूज्य गुरु श्रेष्ठ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय जिनेंद्र।